नमस्ते भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी कोमल कोमल सुंदर सुंदर नाजुक सी बहनों। तो दोस्तों, अगर आप कोई फोन देख रहे हो, कैमरा फोन देख रहे हो जिससे आप अपनी फोटोज खींच सको, इम्प्रेस कर सको और फेमस हो सको और वीडियो बना सको जिसकी जो बैटरी पावर है वो अच्छी हो, तो आपके लिए परफेक्ट फोन है M21। जी हाँ, सैमसंग M21, जो कि ये रहा, सॉरी ये रहा, और ये ऐसा दिखता है। तो अभी चल रही है अमेज़ॉन की सेल, तो अभी मिलेगा आपको अमेज़ॉन में मिलेगा आपको 13,999, इसका मतलब 13,000, ठीक 13-14 हज़ार का मिलेगा। लेकिन लेकिन अमेज़ॉन की सेल चल रही है तो इसे आपको 12-13% ऑफ भी मिलेगा। तो ये एक अच्छा फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है। तो इससे इसके अंदर इनका ये जैसे ही आप खोलते हो, ये जैसे ही आप खोलते हो तो एक नई क्वालिटी आ गई है आजकल के फ़ोन में, कि लॉक लॉक, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आपको फेशियल लॉक लगाना है, कि पैटर्न लॉक लगाना है, कि फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है। मैंने अपना फिंगरप्रिंट का लॉक लगाया, ये जैसे ही खुला तो ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। इसके आने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है फ़ोन, ठीक है, ऐसा दिखता है कुछ फ़ोन। तो ये गैलरी आ गई इसकी, सैमसंग M21 की। तो ये आ गई गैलरी, और इसको अगर आप ऐसे करोगे तो ये आ गया आपका फेसबुक कॉल और फलाना ढिमकाना। इसमें एक अलग ही सिस्टम है, जैसे सैमसंग मेंबर, अगर आप सैमसंग के मेंबर नहीं हो तो आपको पहले सैमसंग का मेंबर बनना पड़ेगा। मेंबर बनने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना अकाउंट, जो जीमेल का जो अकाउंट है, रेगुलर जीमेल का जो अकाउंट है, वो आप यूज़ कर सकते हो सैमसंग का, वो मेंबर बनने के लिए। और इसमें सैमसंग का स्नैपड्रैगन भी है, मतलब स्नैपचैट भी है। तो ये रहा स्नैपचैट AR। तो इसको जैसे ही आप खोलोगे तो कुछ ऐसा आता है। तो आपने देखा होगा कि लोग बैकग्राउंड में अपना काला रख के काला रखने के बाद फिर वो अपना वो चेहरा दिखाते हैं एनिमेटेड में। जी हाँ, तो ये वही है वो सैमसंग का AR Zone। फिर इसके बाद आता है लाइव ये ट्रांसक्राइब, इसका मतलब ये कभी मैंने यूज़ नहीं किया। और फिर आता है सैमसंग मैक्स, इसको ज़रा खोल के देखते हैं। तो सैमसंग मैक्स ये कहता है कि ये आपकी जो डेटा है वो सेव करता है। और फिर आता है सैमसंग शॉप, मतलब आपको अगर ईयरप्लग्स लेने हैं या कुछ भी लेना है तो आप इसमें से शॉप कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी लेना है, जैसे ईयरप्लग्स लेना है, फ़ोन लेना है, या तो सैमसंग की घड़ी लेनी है, तो ये सैमसंग का शॉप है, इसमें ये आप कर सकते हो। फिर आता है ये आपका ये सैमसंग का कुछ, ये सैमसंग वॉइस रिकॉर्डर, ये तो हर एक चीज़ में कॉमन है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी पावर बैटरी बैकअप कितनी है। जी हाँ, तो LG के फ़ोन में थी मेरी 5,000 mAh की बैटरी लाइफ, जो कि 2 दिन में ही ख़त्म हो जाती थी। इस फ़ोन में है 6,000 mAh बैटरी लाइफ, जो कि 2-3 दिन में ये आपको कंटेन करनी पड़ती है। और LG का ये है कि आप जैसे ही चार्ज करो तो विद इन अ स्नैप आपका ख़त्म हो गया, जैसे आपने वाईफाई यूज़ किया तो विद इन अ स्नैप आपका ख़त्म हो गया। तो इसमें है आप चार्ज में करो 15-20 मिनट्स में आपका चार्ज हो जाएगा फुल, अगर आपका 90% है तो, ठीक है। और अगर आप 0% में हो तो 40-45 मिनट्स में आपका चार्ज हो जाएगा। और अगर आपका फोन स्विच ऑफ हो चुका है तो ये हो जाएगा
40 मिनट्स में आपका चार्ज हो जाएगा विद इन अ स्नैप। लेकिन जैसे ही आप इसका वाईफाई खोलोगे, जैसे ही आप इसका वाईफाई खोलोगे, तो एलजी के फ़ोन में ये सिस्टम था कि इसका जो वाईफाई, एलजी का जो वाईफाई था, वो जैसे ही आप खोलते हो तो तेज़ी से बैटरी ड्रेन हो जाती है। इसका वाईफाई जैसे ही आप खोलोगे तो पहले 100, फिर 99, फिर 98 ऐसे। और एलजी का जैसे ही आप खोलते हो खोलोगे तो 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40 एंड देन कई। इसका जो कैमरा है वो बहुत ही वो एक क्रिएटर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। अब क्रिएटर्स को चाहिए होता है, जैसे कैसे समझाऊँ, बैकग्राउंड में ब्लर, ठीक है, ये जो अलमारियाँ दिख रही है, ये जो आपको अलमारियाँ दिख रही है, ये जो दीवार दिख रहा है, ये जो सराउंडिंग दिख रहा है, वो आपका ब्लर हो जाए। इसमें वो है, वो मैं करके दिखाऊंगा। तो ये है सैमसंग का कैमरा, फ्रंट कैमरा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कलर्स कितने ब्राइट आ रहे हैं, डिस्प्ले अच्छा आ रहा है, और जो कि ये चादर रखी है, पिलो रखा है, और ये एसी का डक्ट लगा है वो कितना डिटेल में लिखा है। और ये जैसे ही आप उठोगे तो ये जो मेरा जो चेहरा है वो पहले काला था, हाँ पहले काला था, और एकदम से गोरा हो गया है। तो ये रहा प्रिंटर, और ये जैसे ही आप घूमोगे तो ये देखिए ये कैमरे की लाइटनिंग अच्छी हो ही जा रही है। और ये जो मैंने पहना है चश्मा, वो एंटी ग्लेयर है, मतलब इसमें वो लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं आएगी। ये देखिए आ रही है ना, ये ऐसे। और जैसे ही आप जूम करोगे, अगर आपने जूम किया तो लिखा है कांट जूम इन, इसका मतलब कांट जूम इन का मतलब आप जूम नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप पर्दा, तो मैं जैसे पर्दा हटाया, शक्ल कितनी गोरी हो गई। और जैसे मैं ये जैसे बाहर रोशनी आ रही है, तो ये रोशनी को कैप्चर करके ये अपनी लाइट वो करता है, एडजस्ट करता है। तो ये जैसे ही मैंने अंधेरा किया, जैसे ही मैंने अंधेरा किया, मैं वापस गोरा हो गया, और जो मेरे पीछे जो ऑरेंज दीवार है वो कितनी अच्छी लग रही है इस फ़ोन में। एलजी के फ़ोन में ये सिस्टम नहीं है। एलजी का फ़ोन जो मेरा था वो ख़राब हो चुका था, इसलिए जो मेरे जो इंस्टाग्राम में जो फॉलोअर्स थे वो कम हो गए थे। आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, @उपमन्यु बा। तो ये थी कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट से। फ्रंट व्यू कैमरे से तो क्वालिटी अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। और अब आते हैं कैमरे के फंक्शन में। कैमरे के फंक्शन में ये जैसे आपका सिंगल टेक में जैसे ही दबाते हो तो ये ऐसे आ जाएगा सिंगल टेक में। मतलब जो भी आप अगर सिंगल टेक में लेना चाहो, तो सिंगल ले सकते हो। फिर आता है फोटो। फोटो में ये आपका वाइट नहीं करेगा, ये जैसे ही ये, ठीक है, ये मेरी शक्ल आ गई फोटो पे, ठीक है। और ये जैसे ही आप वाइट करते हो तो वाइट का वो पीछे वाला जो हार्ट है, ये हार्ट है, वो भी आ रहा है, लेकिन लैपटॉप में ये हार्ट नहीं आ रहे। और ये आ गई फिर से वीडियो। अब वीडियो में जैसे ही आप देख रहे हो कि मेरे से भी एक कान आ रहा है और ये वो आ रहा है, क्या कहते हैं, हार्ट हार्ट शेप का फोटो आ रही है, ठीक है। लेकिन अब मेरा कान आ रहा है, ठीक है। और ये आते हैं मोड पे। मोड पे जैसे ही आप आओगे तो आपको मिलेगा ये प्रो की तरह शूट करने की एसएसडी, ठीक है। फिर आ गया प्रो हो गया, प्रो हो गया। फिर आता है आपका ये पैनोरमा।
पेनोरामा मतलब यहाँ से यहाँ तक 300, नहीं यहाँ से यहाँ तक शूट करने का, राइट टू लेफ्ट शूट करने का आपका, एक आपके पास एक फोटो आ जाएगी पेनोरामा में। फिर आ गया फूड, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मास्टर शेफ यूज़ करते हैं ये फूड के बैकग्राउंड में ब्लर करने के लिए ये एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। जी हाँ, वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होती, वो होता है फूड। तो जैसे ही आप फूड को दबाओगे तो फूड के बगल में जो जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, चाहे वो छोले भटूरे की फ़ोटो ही क्यों ना ले रहे हो, हक्का नूडल्स की फ़ोटो ही क्यों ना ले रहे हो, राजमा चावल की फ़ोटो ही क्यों ना ले रहे हो, चाहे आप पिज्ज़ा की फ़ोटो ही क्यों ना ले रहे हो, उसमें बैकग्राउंड में पिज़्ज़ा के बैकग्राउंड में पिज़्ज़ा क्लियर आएगा आपका, और बैकग्राउंड में ब्लर आ जाएगा। फिर आता है नाइट मोड। नाइट मोड बहुत इंटरेस्टिंग है। नाइट मोड में क्या होगा, जैसे आपका कैमरा जो है DSLR जो है वो जस्टिस नहीं करता, ठीक है, तो जस्टिस ना करने के लिए फोन कंपनीज ने, हाई एंड फोन कंपनीज ने एक नया फीचर निकाला है, नाइट मोड। नाइट मोड जैसे ही आप दबाओगे तो एक अलग ही पिक्चर सामने आएगी, उसे कहते हैं नाइट मोड। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिर आता है लाइव फोकस। लाइव फोकस अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने अपनी फोटो ली, ये मैंने अपनी फोटो ली। फोटो लेने के बाद सबसे ऊपर आ रहा है रेडी, रेडी का ऑप्शन, ये फिर खींची। खींचने के बाद ये जो बैकग्राउंड प्ले पे जो ब्लर आ रहा है, ये बैकग्राउंड पे जो ब्लर आ रहा है वो है आपका एक लेटेस्ट फीचर, ये लाइव। और फिर आते हैं ग्रुप ग्रुप लाइव। मान लो कि जैसे आप फैन फेस्ट में गए, फैंस में वो कैसे, वो 10-15 लोग होते हैं, सिर्फ आपकी फ़ोटो को ब्लर नहीं करेगा, ग्रुप की फ़ोटो को ब्लर कर देगा वो। और फिर आता है ये आपका स्लोमो। स्लोमो में नहीं, सुपर स्लोमो, सुपर स्लोमो। जैसे आपने कभी स्लोमो समझाना है आपको, स्लो मोशन समझा सॉरी सुपर स्लोमो समझाने है आपको, स्लोमो समझाने है आपको मैंने, हाइपर हाइपर लैप समझाने है आपको, और नाइट मोड समझाने है आपको, ठीक है, मैंने 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 आप नहीं, मैंने, ठीक है। तो स्लोमो और जो बाकी के सारे जो फीचर्स बचे हैं वो मैं वो ये रहे आपके सामने अभी।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो नीचे का जो सब्सक्राइब का जो बटन है वो दबा के जाना, लाइक का भी दबा के जाना, और शेयर ज़रूर कर देना क्योंकि मन को बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए ध्यान रखो, आदियोस अमीगोस, स्टे सेफ।